तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं गाइस। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जूम ऐप में बैचुलर बैकग्राउंड नॉट शो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जी हाँ, अगर आपके जूम ऐप में भी बैचुलर बैकग्राउंड नॉट शो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है गाइस, तो गाइस आप लोग किस तरीके से इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बात बताने वाला हूँ कि जूम ऐप में बैचुलर बैकग्राउंड नॉट शो का ऑप्शन किस तरीके से करते हैं गाइस। तो गाइस चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। तो गाइस सबसे पहले गाइस आप लोगों को प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है जूम ऐप। चलिए गाइस यहाँ पे सर्च बार में टाइप करते हैं जूम ऐप। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे अपडेट कर लेना है। और आपका यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे अपडेट कर लेना है। और अपडेट का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, तो आपको यहाँ से ओपन कर लेना है गाइस। चलिए गाइस यहाँ से मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप को फॉलो कर लेना जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ चुका है गाइस। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देखने मिला न्यू मीटिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वीडियो ऑन या यानी यहाँ पे ऑन होना चाहिए इस तरीके का, है ना गाइस। और नीचे देखने मिला यूज पर्सनल मीटिंग, ये भी यहाँ पे इस तरीके का ऑन होना चाहिए। उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पे देखने मिला स्टार्ट ई मीटिंग, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कनेक्ट हो रही है गाइस, यहाँ पे कनेक्शन चल रहा है। थोड़ा इसका वेट कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे नेट का इशू हो जाता है कभी कभी, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का आ चुका है गाइस। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देखने मिला है ओनली दिस टाइम, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ चुका है गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे माइक ऑप्शन है, इसको म्यूट है, इसको अनम्यूट कर देते हैं गाइस। यहाँ पे देख सकते हो इसको म्यूट कर सकते हैं और यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर लेते हैं गाइस, है ना गाइस। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको म्यूट कर दिया और इसको अनम्यूट भी यहाँ से कर सकते हैं गाइस। और यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन देखने मिला, यहाँ पे वीडियो स्टॉप भी कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे वीडियो स्टॉप हो चुकी है मेरी। और यहाँ वीडियो को यहाँ पे चला भी देख भी सकते हो, देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो आ चुकी है गाइस। उसके बाद गाइस आप लोग क्या करना, आप लोग यहाँ पे देखने में लाइव एक्टिव है, इस पर आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इंटरफेस इस तरीके नज़र आ चुका है गाइस। जिस पर्सन को आपको इनवाइट करना चाहते हो तो गाइस इनवाइट पे क्लिक कर लेना है। इनवाइट पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इनवाइट पे यहाँ पे कॉपी लिंक कर लेना यहाँ पे इस तरीके का। और यहाँ पे जब आप व्हाट्सएप में शेयर करना चाहते हो, उससे कहना चाहते हो कि भाई मैं ये मीटिंग रखना चाहता हूँ 2 बजे 3 बजे, तो आप ये मीटिंग को यहाँ पे उसको पोस्ट कर देना। ये अपनी कॉपी यहाँ से कॉपी की जाती है, ये वाली लिंक यहाँ से कॉपी किया भी नहीं आपने, ये वाली कॉपी की है। तो गाइस आप लोग वहाँ पे उसको पेस्ट कर देना व्हाट्सअप के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू, जिससे थ्रू करना चाहते हो उसके थ्रू कर लेना है। और उसको अगर वो जूम ऐप उसके फ़ोन में अवेलेबल है इस तरीके के कर सकते हो गाइस। तो गाइस मैं इसको कट कर देते हैं। तो गाइस मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये मोर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ चुका है गाइस। तो गाइस यहाँ पे ऑडियो को डिस्कनेक्ट करना चाहते तो ऑडियो को यहाँ पे डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो गाइस। और यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बैकग्राउंड बैचलर का ऑप्शन जो होता है, बैकग्राउंड का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है गाइस। तो गाइस किस तरीके का होगा तो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो गाइस इसको पहले मैं इसको कट कर देता हूँ। चलिए गाइस यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पे एंड का ऑप्शन देखने मिला, एंड पे क्लिक कर लेता हूँ। और मैं इसको इसकी एंड मीटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ गाइस, है ना गाइस। मैंने बंद कर दिया। उसके बाद गाइस आप लोग क्या करना, आप लोग क्रोम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको गूगल सर्च बार में आपको टाइप करना है सपोर्ट। चलिए गाइस यहाँ पे टाइप कर देते हैं सपोर्ट जूम वर्चुअलर बैकग्राउंड। देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है सपोर्ट वर्चुअलर बैकग्राउंड, देख सकते हो गाइस यहाँ पे आ चुका है। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नजर आ जाएगा, चेंज योर वर्चुअल बैकग्राउंड इमेज। तो गाइस यहाँ पे आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। गाइस यहाँ पे टर्न एंड कंडीशन होते हैं गाइस, जो भी आपके फोन में सपोर्टेड रहेगी तो गाइस यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे बैकग्राउंड वर्चुअल का ऑप्शन आप लोगों के ध्यान देखने को मिल जाएगा गाइस। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अगला आपको थोड़ी सी इंग्लिश आती है तो गाइस यहाँ पे आपको पढ़ लेना है, नहीं आती तो इसको यहाँ से कॉपी करके और डायरेक्टली आप लोगों को गूगल ट्रांसलेट में चले जाना है गाइस। तो गाइस यहाँ पे अपने फोन में जो भी आपके फोन में ये वर्चुअल कंडीशन रहेगी तो गाइस वही आपके फोन में बैकग्राउंड की वर्चुअल कंडीशन बैकग्राउंड को चेंज होने में आसान रहेगा गाइस, है ना गाइस। मेरा गाइस कहने का मतलब है यहाँ पे अगर आपके सपोर्ट रहेगा, यहाँ पे देखने मिला हम आपको लोगों को पढ़ के दिखा देते हैं गाइस। चलिए गाइस यहाँ पे पढ़ के दिखा देते हैं गाइस, थोड़ा सा इसको हम आप लोगों के लिए थोड़ा पढ़ के सुना दे। हाउ टू मैनेज, तो देख सकते हैं हाउ टू मैनेज वर्चुअल बैकग्राउंड फॉर एडमिन, को एडमिन भी होना चाहिए, यानी कि बैकग्राउंड वर्चुअल का एडमिन भी होना चाहिए गाइस, यानी कि अपने जूम ऐप का एडमिन भी होना चाहिए गाइस। और यहाँ पे देखने मिला है हाउ टू अप्लाई ए वर्चुअल बैकग्राउंड, तो गाइस यहाँ पे हाउ टू यानी कि
अप्लाई के लिए बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हो गाइस, अप्लाई भी कर सकते हो गाइस। देख सकते हो चेंज वेचुलर बैकग्राउंड स्टेप, तो गाइस यहाँ पे ये भी आपके फोन में रहना अनिवार्य होना चाहिए गाइस, है ना गाइस। और नीचे देखने में तो गाइस यहाँ पे देखो मिला चेंज वेचुलर बैकग्राउंड ऑन मोबाइल, तो अगर आपके पास फोन ऑन मोबाइल चेंज होगा तो आप लोग फोन में ये काम करना स्टार्ट कर देगा गाइस। और नीचे आ जाए टर्म्स कंडीशन देखने मिल रही है, और यहाँ पे आ जाएगा गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कहीं यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे वर्जन भी इसका है देख सकते हो यहाँ पे एडमिन, तो गाइस इसका वर्जन भी है ठीक ठाक है देख सकते हो, हम आपको वर्जन भी दिखा देते हैं। तो गाइस आप लोगों देख सकते हो लास्ट अपडेट है इसकी 22/2021 है ना, 22 दिसंबर 2021 है, इस तरीके से कर सकते हो गाइस। और उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पे मिनिमाइज़ कर लेना है, मिनिमाइज़ करने के बाद गाइस आप लोगों के लिए ये फ़ोन को 2 से 3 मिनट के लिए स्विच ऑफ कर देना है गाइस, है ना गाइस, 2 से 3 मिनट के लिए स्विच ऑफ कर देना गाइस, और इसी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना इसका। तो 2 से 3 मिनट के बाद तो आपको ओपन, जब ओपन करोगे फ़ोन को तो गाइस आप लोग जूम ऐप को लॉन्ग प्रेस कर लेना है, लॉन्ग प्रेस करने के बाद गाइस आप लोगों को ऐप इन्फो पे जाना है, ऐप इन्फो पे जाने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे देखने मिला स्टोरेज एंड कैश चेक, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करके यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद जब गाइस आप जब भी आप जूम ऐप दोबारा से ओपन करोगे तो आपकी गाइस प्रॉब्लम को फिक्स हो जाएगी गाइस, है ना गाइस, तो बड़े आसानी तरीके से हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है गाइस, और इस तरीके से आप कर सकते हो गाइस। तो गाइस आशा करता हूँ गाइस जो जानकारी आप जानना चाहते थे आपको मिल चुकी होगी, तभी भी आपको अपने जूम ऐप में वेचुलर बैकग्राउंड नोट शो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है तभी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आपको जल्द से रिप्लाई कर देंगे। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टैग टेक्निकल एमके में बाय।